मुझे इसी चीज़ का सिला दिया गया है कि मैं 41 लोगों को वहाँ से निकाल के लेके आया हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ सर कि मेरे साथ हुआ क्या है। न्यूज़ होने के बाद भी कोई मुझे आश्वासन नहीं मिला, ना कोई अधिकारी, सिर्फ डीडी के छोड़ के कोई भी, ना हमारे जो नेता है, हमारे MLA MP या जो अध्यक्ष है, जो दिल्ली प्रदेश है, कोई भी किसी की तरफ से कोई भी हम पे कोई आश्वासन। देश के प्रत्येक नागरिक ने एक कहावत सुनी होगी, जूत नेके कर जूते खा, मैंने भी खाए तू भी खा। ये बात बिल्कुल सटीक साबित होती है वकील हसन की फैमिली पर, क्योंकि वकील हसन वही हीरो हैं जिन्होंने 41 जिंदगियां अपनी जान पर खेलकर बचाई थी। फिलहाल वकील हसन सड़क पर बैठे हैं क्योंकि कल यानी कि बुधवार को वकील हसन की फैमिली का मकान DDA के ने कार्यवाही करते हुए पूरी तरह से जमींदोज कर दिया था। फिलहाल वकील हसन मेरे साथ हैं, सीधा बात करेंगे कि आखिर क्यों बार बार वकील हसन को टारगेट किया जा रहा है, जो वकील हसन का मकान है उसको तोड़ा जा रहा है। वकील जी, लगातार आपको टारगेट किया जा रहा है, कल आपके कार्रवाई करते हुए आपका मकान तोड़ दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने देश के लिए कोई बुरा नहीं किया था। 41 लोगों को मैंने सिलकियारे से निकाला था अपनी जान पे खेल के। मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी, क्योंकि अब भी हम अगर वहाँ के बारे में सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ मेरी सारी टीम आई हुई है, सारे लड़के आए हुए हैं, तो मैंने मुझे इसी चीज़ का सिला दिया गया है कि मैं 41 लोगों को वहाँ से निकाल के लेके आया हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ सर कि मेरे साथ हुआ क्या है। वकील जी, जैसा कि हम लगातार कल से आपसे बात कर रहे हैं, आपने बताया था कि ये मकान आपने 2013 में पैसे देकर खरीदा है, तो ऐसे में क्योंकि आपने एक बात और कही थी कि इसकी जो रजिस्ट्री है वो 1987 से इसकी रजिस्ट्री है, कहीं ना कहीं चैन बार बार मकान बेका भी होगा, खरीदा भी गया होगा, उसके बावजूद आप ही के मकान को, क्योंकि आपके आसपास पूरे मकान बने हुए हैं, कोई मकान नहीं तोड़ा गया DDA की तरफ से। अब रात में जब हमने कवर चलाई उसके बाद यहाँ DDA के अधिकारी पहुँचे, तो DDA के अधिकारियों का क्या कहना था आपसे जब यहाँ पहुँचे थे? सर, DDA के अधिकारी हमें ऑफर कर रहे थे कि अभी आप यहाँ से चलिए, हमारा गेस्ट रूम है बसंत कुंज में, आप दोनों आप वहाँ रुकिए, और दो रूम सेट है, आप वहाँ रुकिए, उसके बाद हम आपकी व्यवस्था करते हैं। हमारी प्लानिंग है आपको ये कालकाजी में फ्लैट देने की, DDA फ्लैट ओवर देने की, और आपके आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब नौकरी देने की। तो मैं बोल रहा हूँ, जब इतने बड़े बड़े लोग हमसे झूठ बोल गए, तो डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हर कोई हाथ खड़ा कर देता है। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया, सर आप मुझे रिटर्न दे दीजिए, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चला जाऊँगा, लेकिन जब तक मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे यहाँ मुझे कितने दिन लग जाए या मुझे यहाँ बड़े बड़े मरना ही पड़े, तो मैं यहाँ से हटूँगा नहीं सर। हाँ वकील जी, जब आप 41 जिंदगियाँ बचाकर घर लौटे थे तो नेताओं के बड़े बड़े वादे आपसे किए गए थे, नेताओं ने कहा था कि आपका मकान बना के दिया जाएगा, आपके साथ आपके मकान में आपके परिवार के साथ बैठकर खाना खाया जाएगा, तो अब हम देख रहे हैं कि आप अपने मकान में तो बैठे नहीं हैं, मकान के बाहर जरूर आ गए। इसके बाद क्या कोई नेता, स्थानीय विधायक या स्थानीय जो हमारे सांसद जी हैं वो, या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी इस तरह का आपको आश्वासन दे कि नहीं, जो कार्रवाई की गई है आपके साथ गलत हुआ है और इसको जो है आपको मकान आपको वापस दिया जाएगा, इस तरह का कोई आश्वासन अभी तक कहीं से आया? सर, कमाल की बात है, अभी तक इतनी न्यूज़ होने के बाद भी कोई मुझे आश्वासन नहीं मिला, ना कोई अधिकारी, सिर्फ DDA छोड़ के कोई भी, ना हमारे जो नेता है, हमारे MLA MP या जो अध्यक्ष है, जो दिल्ली प्रदेश है, कोई भी किसी की तरफ से कोई भी हम पे कोई आश्वासन नहीं मिला सर। वकील जी, लगातार आपकी खबर मीडिया पर चल रही है, उसको देखते हुए LG अभी आप एक दौरा किया है, LG ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर उन्होंने एक बाइट दी है, बाइट में कहा है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, तो क्या जो दिल्ली के LG हैं उनसे आप भरोसा जता पाएंगे? सर, ये जांच चलती रहेगी, और एक दिन है ना, ये जांच भी है ना, 2-4-5-7 दिन चलेगी, ग्राउंड पे लोग आएंगे, अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाएंगे, उनको सबमिट कर देंगे, उसी पे सेटिस्फाइड होके केस क्लोज कर देंगे। 5-7 दिन बाद आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होंगे, और LG साहब कहाँ होंगे, और मैं उनसे बात भी करूँगा तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, तो ये तो बेकार की बात है सर कि हम जाँच कर रहे हैं, जाँच करने के लिए क्या मैं ये वो करके बैठा हूँ, कब्जा करके बैठा हूँ? एक सिंपल सी बात है सर, मैं यहाँ 12-13 साल से रह रहा हूँ, 1987 से बना हुआ प्लॉट है, DDA वालों ने अपने मतलब उन्होंने मेरे से पैसे मांगे और वो मैं नहीं दे पाया, उसकी वजह से उन्होंने तोड़ा है। मेरे बाजू में मकान है, इधर ही मकान है, पीछे बाउंड्री वाले DDA की, आगे आपकी MCD की सड़क है, सामने भी मेरे मकान बने हुए हैं, एक मेरे मकान अनोखा है जो DDA लैंड पर बना हुआ है। वकील जी, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये श्री राम कॉलोनी को इसका दूसरे नाम से लोग कच्ची खजूरी के नाम से भी इसको जानते हैं,
अभी तक ये कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हो पाई है, क्यों आपका घर ही टारगेट किया जाता है? क्योंकि आप सुनते होंगे, बहुत सारे लोग सुनते हैं कि कच्ची खजूरी के लोग आज भी जो बड़े बुजुर्ग हैं इस कॉलोनी को कच्ची खजूरी कहकर ही पुकारते हैं, तो जाहिर सी बात है ये कॉलोनी पूरी रेगुलराइज तो है नहीं, उसके बावजूद आपको टारगेट बार बार किया जा रहा है। क्या आपको जो 41 जिंदगी आपने बचाई उसका इनाम ये सरकार की तरफ से आपको दिया जा रहा है? जी ये बिल्कुल बिल्कुल इनाम है सरकार का, और मैं तो ये बोलूँगा और क्या हो सकता है, सरकार के हाथ में क्या नहीं है? इस टाइम केंद्र में हमारी सरकार बीजेपी सरकार है, उसके हाथ में क्या नहीं है? अगर मैं बिश जी को फ़ोन करता हूँ तो बिश जी ये बोलते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर किसके हाथ में? हमारे प्रतिनिधि क्या सिर्फ वाद विवाद के लिए रह गए हैं, सिर्फ उद्घाटन के लिए रह गए हैं? जो उनको कोई मतलब, जो गरीब आदमी अगर उन तक फ़ोन करना भी चाहेगा, फ़ोन तो छोड़िए उनसे मिलना भी चाहेगा तो मिलेंगे भी नहीं, तो फिर जनप्रतिनिधि किस नाम के हैं? सिर्फ उद्घाटन करने के, या सिर्फ ये आप आज इलेक्शन हो गया, आज वहाँ हम जीत गए, आज वहाँ हम हार गए, आज हमारी दुख है, आज हमें वो अपने में ही है, वो किसी पब्लिक के लिए नहीं बैठे हुए क्या वहाँ पे? जिस आसन पर पब्लिक ने बैठाया है वो अपने लिए बैठाया है या फिर इन चीज़ों के लिए बैठाया है? हाँ बिल्कुल वकील जी, देखिए एक दुखद बात यह भी है कि आपकी बेटी के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं और जो बच्चे हैं छोटे उनके भी जाहिर सी बात है पेपरों का जो दौर है वो पेपर चल रहे हैं स्कूल के अंदर, आपका तमाम सामान, बच्चों की बुक, बच्चों के जो जितने भी स्टेशनरी का सामान है जिससे वो बच्चे अपने स्कूल की तैयारी करते हैं, अपने पेपर्स की तैयारी करते हैं, वो तमाम सामान इसके अंदर दब चुका है, तो बच्चों का कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरा साल इन DDA के अधिकारियों की वजह से ख़राब हो गया है, तो ऐसे में जो बच्चे हैं क्या अब पेपर दे पाएंगे? ये सवाल तो मैं सरकार से करना चाहूँगा कि मेरा मकान भी थोड़ा और मेरे बच्चों का भविष्य तक उन लोगों ने ख़राब कर दिया, उन्होंने इतना तक टाइम नहीं दिया कि मैं अंदर से सामान भी निकाल पाऊँ, अंदर मेरा आधे से ज़्यादा सामान दबा पड़ा है और आधा सामान मेरे रोड पे बिखरा पड़ा है, उसमें बच्चों के जो सारे नोटबुक्स वगैरह थी, बैग्स वगैरह थे हमारे, हो सकता है मेरी जो ट्रॉफीज़ मिली है मुझे दुनिया भर से पूरे देश में से, वो भी उसके अंदर ही दबी हुई, उसी के अंदर दबी हुई है। अब बताइए इतना बड़ा जो काम हुआ है, अगर ये हम जैसे कोई पब्लिक कर देती, इससे तो इतना सा काम, इससे इतना काम कर देती तो उसे सरकार या पुलिस या कहाँ ले जाके मतलब क्या करती उसके साथ में, और इनका कोई कहने सुनने वाला नहीं है।